morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Student, I'm saying again and again, stay at your home, don't go outside, and wash your hands after 1 hour to stay healthy. Okay? Yesterday we did आ की मात्रा. हमने कल आ की मात्रा पढ़ी थी, जिसमें कि हमने आ की मात्रा के शब्द पढ़े थे, जैसे आम, नाम, काम, चावल. हमने आ की मात्रा के शब्द पढ़े थे. और आपने गृह कार्य में हमने आपको दिया था गृह कार्य में वाक्य पूरा करें. आपको वाक्य दे रखा था, आपको सिर्फ उस पिक्चर को देख के उसका नाम लिखना था. आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे वाक्य बनाओ, कि हम वाक्य कैसे बनाते हैं. वाक्य हम कैसे बनाते हैं? जैसे मैम ने आपको लिखा आम, आम के ऊपर आपको एक लाइन लिखनी है. आज हम क्या करेंगे, हम जो वाक्य बनाएंगे दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर और आ की मात्रा तक ही बनाएंगे. हम उससे आगे की मात्रा का नहीं बनाएंगे. जैसे अब हमारे पहले वाक्य है आम. अब आपको आम के ऊपर वाक्य सोचना है. आप क्या सोचेंगे? पहले आप किसी का नाम सोच सकते हैं. जैसे हमने नाम सोचा, छोटा सा नाम, यश. हमने पहले नाम सोचा यश. यश आम, आम सबको अच्छा लगता है, आम सारे खाते हैं. फिर आप लिखेंगे आम, यश आम खा, यश आम खा. देखिए इधर, जैसे इधर मैम ने लिखा है आम, आम के ऊपर मैम ने क्या लिखा, यश आम खा. हमने आम के ऊपर वाक्य बनाया था, फिर जब हमने यहाँ पे आम लिखा तो हमने उस पर रेखा खींच दी, यानी आम को हमने हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है बाजा. क्या लिखा हमने नेक्स्ट? बाजा. तो बाजा के ऊपर हम क्या वाक्य बना सकते हैं? बाजा क्या होता है? जिसे हम बजाते हैं. तो हम सोच रहे हैं कि हम बाजा के ऊपर क्या लिख सकते हैं. वैसे ही पहले हमने नाम सोचते हैं किसी का. जैसे मैंने नाम सोचा नमन, हम पहले लिखेंगे नमन. नमन के बाद क्या हमने किसके ऊपर वाक्य बनाना है? बाजा. नमन बाजा बजा. देखिए मैम ने बाजा के ऊपर कैसे लिखा, नमन बाजा बजा, और बाजा को मैम ने हाईलाइट कर दिया, नमन बाजा बजा. अब उससे अगला हमारा है छाता. छाता, छाता के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं? हमने नाम सोचा अमन, अमन छाता ला. हम हमेशा जो वाक्य बनाते हैं छोटे छोटे वाक्य से शुरुआत करेंगे, हम एकदम बड़ा वाक्य नहीं लिखेंगे. छाता का हमने क्या वाक्य लिखा, अमन छाता ला. उसके बाद है ताला. ताले का इस्तेमाल हम कब करते हैं? घर को लॉक करने के लिए. तो हम अब लिख सकते हैं पवन ताला लगा, पवन ताला लगा. देखिए जैसे मैम ने इधर लिखा पवन ताला लगा. उसके बाद है आपका माला. माला क्या होता है? माला को हम पहनते हैं गले में, तब हम यही सोचेंगे कि हमने कोई नाम सोचा. जैसे मैम ने नाम ले लिया चमन, चमन माला पहन. देखिएगा चमन माला पहन. हमने पांच वाक्य लिए, हमने आज पांच वाक्य बनाने सीखे आ की मात्रा से. पहला हमने बनाया आम पे, फिर बाजा, फिर छाता, फिर ताला, फिर माला. हमने पांच वाक्य बनाए. आम पर हमने क्या लिखा, यश आम खा. बाजा नमन बाजा बजा. छाता अमन छाता ला. ताला पवन ताला लगा. माला चमन माला पहन. हमने आज सीखे वाक्य बनाओ, छोटे छोटे वाक्य बनाना. आपको आज होमवर्क में भी यही काम करना है, आपको वाक्य बनाने हैं. ऐसे ही वाक्य बनाएंगे आप, छोटे 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 वाक्य बनाना शुरुआत करेंगे आप, एक साथ बड़े वाक्य नहीं बनाएंगे. थैंक यू. आई होप आपको सारा समझ आया हो. थैंक यू सो मच.